जय हिंद दोस्तों दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वीएस गायतोंडे, जिनका पूरा नाम है वासुदेव शांत गायतोंडे, इनका जो समय है 1924 से लेकर 2001 ईस्वी के बीच, ये एक अमूर्त आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, आधुनिक अमूर्तन कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के प्रमुख सदस्य के रूप में भी ये थे। तो आज हम इस वीडियो में वासुदेव गायतोंडे के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वासुदेव गायतोंडे का एक फोटोग्राफ और उनके साथ एक चित्र भी है उनका। वासुदेव गायतोंडे हैं ये और वीएस गायतोंडे, इनका जो समय है 1924 से 2001 ईस्वी के बीच। वीएस गायतोंडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 में नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। पैग समूह के किस कलाकार को हुसैन सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे? वीएस गायतोंडे। वीएस गायतोंडे को एमएफ हुसैन जो है सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे। वीएस गायतोंडे का पूरा नाम क्या है? वासुदेव शांतु गायतोंडे इनका पूरा नाम है। वीएस गायतोंडे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। वीएस गायतोंडे कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? अमूर्तन कलाकार, अमूर्तन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस कलाकार को पैग कलाकार समूह का दार्शनिक कलाकार कहा जाता है? वीएस गायतोंडे को ये दार्शनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं पैग कलाकार समूह में। पैग समूह का वह कलाकार जो कैलीग्राफी सुलिपि डिज़ाइन भी करता था, तो वीएस गायतोंडे कैलीग्राफी भी करते थे। वीएस गायतोंडे की चित्रकला किसके चित्रों की याद दिलाती है? पॉल क्ली व जॉन मीरो, ये वेस्टर्न कलाकार हैं, इनके चित्रों की याद दिलाती है। किस कलाकार का कहना था कि अमूर्तन चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं होती? वीएस गायतोंडे का कथन था ये। गायतोंडे को भारत सरकार ने कब पद्मश्री से सम्मानित किया था? वर्ष 1971 में। वीएस गायतोंडे बौद्ध दर्शन की किस शाखा से काफ़ी प्रभावित थे? जैन शाखा से। वीएस गायतोंडे के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? वर्ष 1959 में ये आयोजित हुई थी। गायतोंडे को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया था? वर्ष 1989 से 90 के बीच में इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इनके प्रसिद्ध चित्र डांसर, ये तैल रंग में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। मानसून, स्पीच, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र थे। इनके कुछ चित्रों को मैं दोस्तों आपको बताता हूं। यहां पे इनका चित्र आप देखिए, अधिकतर ये जो है अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अधिकतर चित्रों का इन्होंने निर्माण किया। अमूर्त चित्र इनके आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शीर्षकहीन अनटाइटल 1974 में इन्होंने बनाया है ये, और यहाँ पे एक और चित्र है शीर्षकहीन अनटाइटल, ज़्यादातर चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। शीर्षकहीन अनटाइटल ये भी है, यहाँ पे और चित्र है आप देखिए, ये भी अनटाइटल्ड है। यहाँ पर भी अमूर्तन कला के लिए ये जाने जाते हैं। वासुदेव शांतु गायतोंडे अनटाइटल 1974 में आयरलैंड कैनवास में ये बनाया गया, तैल रंग से कैनवास पर ये बनाया गया है। ये भी वासुदेव गायतोंडे द्वारा बनाया गया है। पेंटिंग नंबर 1 1962 में आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है ये। एक और चित्र यहाँ पे आप देखिए 1969 में अनटाइटल्ड, ये भी है आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है। यहाँ पे एक और चित्र आप देखिए शीर्षकहीन 1975 में आयरलैंड कैनवास पर ये चित्र बनाया गया है, अनटाइटल्ड ये भी है 1963 में आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है, अनटाइटल्ड ये भी चित्र है 1962 में इंक एंड वाटर कलर ऑन पेपर पर ये बनाया गया है वीएस गायतोंडे के द्वारा। अनटाइटल्ड ये भी 1977 में आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है। पेंटिंग नंबर 6 1962 में आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया ये चित्र, अनटाइटल्ड 1995 में आयरलैंड कैनवास पर ये भी बनाया गया है, अनटाइटल्ड 1985 में आयरलैंड कैनवास पर ये भी चित्र बनाया गया है वीएस गायतोंडे के द्वारा।
अनटाइटल 1989 में आयलैंड कैनवास पर बनाया गया है। अनटाइटल ये भी है 1962 में इंक एंड वाटर कलर ऑन पेपर पर यह बनाया गया है वी एस गायतोंडे के द्वारा। ये भी एक चित्र है। अनटाइटल 1973 में आयलैंड कैनवास पर बनाया गया है। वासुदेव गायतोंडे जो हैं एक आधुनिक अमूर्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मुख्य सदस्य के रूप में भी ये रहे। तो वी एस गायतोंडे से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।